Welcome back to Soham Edu classes. In this video, we will discuss the class 9, chapter 2, math, exercise 2.3, question number 1. So, what is the question? So, question is here. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1, x minus 1 by 2, then x and x plus pi and x plus 2x. So, ek ek karke 1 by 1 we have to solve. So, first weight mein diya hai. So, let's start the solution karte hain. So, first mein diya hai. So, ye jo polynomial ka equation diya hai. Usmein साथ अगर डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर. तो बाय रिमाइंडर थ्योरम का अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम तो ये जो दिया है तो हम कैसे करेंगे ये सॉल्यूशन. तो जो दिया है x प्लस 1 दिया है इसमें डिवाइड होगा तो हम x के वैल्यू इसमें निकाल के इसमें पुट करने से जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलीनोमियल इक्वेशन. तो देखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको 0 लेके हमको x का वैल्यू, तो x प्लस 1 को अगर 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा दैट विल बी -1. इस तरफ आने से 1 माइनस साइन चेंज हो जाएगा -1 हो गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ x बाय पुटिंग. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन पॉलीनोमियल इक्वेशन में इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये है इक्वेशन दिया गया है. तो अगर x का वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू. तो x का प्लेस में -1 तो -1 का क्यूब प्लस 3 इनटू एक्स का प्लेस में -1 का स्क्वायर प्लस 3 इनटू एक्स का प्लेस में -1 देन प्लस 1 राइट देन -1 का क्यूब. जब -1 इनटू -1 एंड -1 तीन बार मल्टीप्लाई होता है तो 1 तो जितना बार करने से answer will be product will be 1 but the 3 times minus means that will be odd number. Minus ka jo rule hota hai kya agar odd time matlab 3 times 5 times aise multiply hoga the sign will be minus. Agar even times matlab 2 times 4 times 6 times 8 times aise hone se the answer will be sign will be plus. तो यहाँ 3 टाइम्स हुआ तो अल्टीमेटली माइनस साइन आएगा तो -1 तो यहाँ -1 का क्यूब -1 आएगा देन हियर 3 इनटू कितना -1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 बट साइन विल बी प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 इनटू -1 दो बार होने से 1 तो प्रोडक्ट आएगा बट द साइन विल बी प्लस. तो प्लस को हम लिखते नहीं है तो देन 3 -1 होने से क्या होगा तो सो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा +1 आ जी. तो देन क्या होगा -1 here plus 3 हो जाएगा 3 into 1 3 then -3 here the sign will be -3
देन प्लस वन, तो कितना होगा हियर प्लस थ्री वन है एंड प्लस वन है, तो प्लस फोर हो गया थ्री प्लस वन, देन माइनस दो है तो माइनस माइनस साइन एड हो जाता है एंड द साइन विल बी माइनस, तो थ्री प्लस वन वो भी फोर हो जाएगा बट द साइन विल बी माइनस, तो माइनस माइनस कितना माइनस माइनस फोर कितना हो जाएगा दैट विल बी जीरो, तो दिस इज द आंसर, द रिमाइंडर इज हियर द रिमाइंडर इज जीरो। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। लाइक दैट हमको इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, ये क्वेश्चन नंबर वन था, देन क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, एक्स माइनस वन बाई टू, तो हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स विल बी पहले एक्स माइनस वन बाई टू इजिकल टू जीरो लेंगे, तो फिर x का वैल्यू कितना होगा, माइनस हाफ जो है इस तरफ आने से प्लस हाफ हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, है कि नहीं, ठीक है। देन अभी हमको क्या ये पॉलीनोमियल इक्वेशन में हमको पुट करना है, तो हमको यहाँ वी हैव टू ड्रॉ एंड देन हैव टू राइट, तो लेना है स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। तो बाय पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो x का वैल्यू है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन में ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमको बारी बारी वन बाय वन सब में डिवाइड करके देखना है रिमाइंडर क्या है। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या है, 1 बाई टू का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाई टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाई टू प्लस 1, राइट, देन इसका क्यूब करेंगे, 1 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 थ्री बार, थ्री टाइम्स होने से कितना होता है 8, तो नीचे 8 हो जाएगा, देन 3 वन बाय टू का स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है, यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन 3 नहीं तो यू कैन गिव द ब्रैकेट आल्सो, तो 3 एंड 1/2 देन प्लस 1, तो अभी हम इसको अरेंज करेंगे 1/8, तो 3 ऊपर में हो जाएगा 3/4, वी कैन राइट इसको भी, वी कैन राइट 3/2 एंड ऑल्सो हियर 1, नीचे भी वी कैन राइट, इसका सिंगल डिजिट होगा तो उसका नीचे 1 है, दैट इज अंडरस्टूड। तो अभी वी कैन टेक द एलसीएम, सबको एलसीएम लेके जो फ्रैक्शन में है अभी, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, तो हम 8, 4, 2, 1 सबका एलसीएम लेंगे, मतलब कौन सी नंबर जो 8, 4, 2, 1 तो कौन सी टेबल में आता है, तो एलसीएम लेने से 8, 4, 2 एंड 1 उसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 8, तो हियर विल बी डिनोमिनेटर विल बी 8, तो 8 को हम कैसे करते हैं, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे और अदरवाइज यू विल सी 8 का टेबल में 8 कहाँ आता है, तो 8 वन जा
तो अदरवाइज 8 को 8 से डिवाइड करके ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 डिवाइड करने से 1, तो ऊपर में कितना होगा, वही 1 आएगा। प्लस 8 को 4 से डिवाइड करने से 2 आएगा, 2 इंटू ऊपर में 3 है, न्यूमरेटर 3 है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लाइक दैट हियर 8 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 देन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, देन 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, तो 8 इंटू ऊपर में और न्यूमरेटर 1 है, दिस इज द आंसर। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ये 1 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 12 प्लस ये 8 इंटू 1 8। तो नीचे में 8 तो कितना होता है, ये 7 7 7 एंड 8 50 देन 12 दैट विल बी 27 27 बाय 8 ये हो गया। ये इम्प्रॉपर में है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब 27 को 27 को कितना 8 में डिवाइड करने से कितना 8 3 जार 24 आता है, देन 3 रिमाइंडर इज 3, तो वी कैन राइट द क्वेश्चन इज हियर 3, क्वेश्चन 3 आया तो 3 दैट विल बी द होल नंबर, देन क्या नीचे तो डिनोमिनेटर 8 रहेगा, देन ऊपर में कितना जो बचा 3 है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है 3। ये है द रिमाइंडर ऑफ दिस, व्हेन दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 द रिमाइंडर विल बी दिस, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द आंसर। ठीक है ये है आंसर क्लियर, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू रॉक, देन विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थियोरम का हिसाब से हो रहा है, देन क्वेश्चन 3 इज एक्स, तो ओनली एक्स दिया है, मतलब इस एक्स इज इक्वल टू 0 इज एक्स इज 0 हियर, तो देन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका एक्स का कहां पुट करेंगे, इन द पॉलीनोमियल इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है, एक क्वेश्चन जो दिया है, तो दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें x के प्लेस में वी हैव टू पुट 0, तो 0 का क्यूब देन 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है तो 0 का क्यूब 0 प्लस 0 हियर, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होके भी कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाएगा। वंस अगेन हम लिख देते हैं, ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना होता है 0 प्लस 3 इंटू 0 ऑल्सो 0 प्लस 3 इंटू 0 ऑल्सो 0 ओनली 1, तो आंसर इज 1, द रिमाइंडर इज द आंसर, द रिमाइंडर पूछा है ना, तो दिस इज द आंसर दैट इज द रिमाइंडर। ठीक है देन विल गो फॉर द क्वेश्चन 4।
देन क्वेश्चन फोर इज व्हाट एक्स प्लस पाई प्लस पाई. तो एक्स प्लस पाई वी हैव टू टेक एक्स प्लस पाई जीरो देन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई. ठीक तो ठीक है. देन बाय पुटिंग इसको लिखना है बाय रिमाइंडर. हर क्वेश्चन में बाय क्या रिमाइंडर थ्योरम. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स कहां पुट करना है. वैल्यू ऑफ एक्स कहां पुट करना है. पुट करना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन पॉलीनोमियल इक्वेशन जो ये इक्वेशन है दिस वन. तो इक्वेशन में लिख देते हैं एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज द क्वेश्चन. देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर. तो वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट माइनस पाई. तो पाई का क्यूब प्लस थ्री पाई का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स थ्री एक्स का प्लेस में पाई देन वन. दैट मीन्स माइनस पाई का क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर प्लस थ्री पाई प्लस वन. ये है हियर द और माइनस पाई इज हर जगह पे माइनस पाई. हियर माइनस पाई जब दो बार माइनस पाई इनटू माइनस पाई होगा क्या होगा पाई स्क्वायर तो होगा लेकिन साइन विल बी प्लस. तो पॉजिटिव साइन को हम नहीं लिखते हैं ओनली वी कैन राइट द पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर इज हियर. तो हियर पाई स्क्वायर बट हियर इज साइन इज माइनस पाई. तो माइनस को जब एक ही बार रहेगा तो साइन विल बी थ्री का साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन विल बी माइनस. ठीक है. तो इसका आंसर इतना ही रहेगा. तो दिस इज द आंसर. ठीक है. ये रिमाइंडर दिस इज ऑल्सो द आंसर. ठीक है. ये आंसर इसका है. ठीक है. देन विल गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन बी का. ठीक है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. आफ्टर आई हैव टू रब दिस वन. देन क्वेश्चन नंबर बी दिस इज द लास्ट. 5 + 2x. तो हमको क्या बाय रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं. बाय रिमाइंडर थ्योरम 5x + 2x में डिवाइड करने से हम इसको क्या करेंगे इसको जीरो. क्या करेंगे 2x को इस साइड में रखेंगे 5 को इस साइड कर देंगे माइनस 5 हो जाएगा. देन आफ्टर 2x का साथ में है हियर इज मल्टीप्लाई करके है तो इस साइड आने से दैट विल बी डिवाइड. तो 5/2 डिवाइड हो जाएगा. This is the value of x. X का वैल्यू आ गया. Then now we have to put in the polynomial equation by putting the value of x. X का वैल्यू हमको पुट करना है in
पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो कितना होगा, तो इक्वेशन लिखेंगे एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एक्स का प्लेस में वी हैव टू पुट माइनस फाइव बाय टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स का कितना, माइनस फाइव बाय टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाय टू प्लस वन, इतना है। तो माइनस फाइव का क्यूब कितना होता है, 125, क्योंकि 5 × 5 × 5 तीन बार, 5 × 25 25 25 5 × 125, तो बार 2 का कितना होता है 8 प्लस 3 अजीत रहेगा, देन माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एंड द माइनस विल बी प्लस हो जाएगा, दो बार माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो बाय 4, ठीक है, प्लस 3 अजीत रहेगा, तो माइनस हियर इज ओनली एक्स का वैल्यू माइनस 5/2, तो यहां रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स साथ में सबको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हियर इज माइनस 125/8 प्लस हियर 3 × 25 = 75/4 प्लस 3 × 5 = 15, 15 − 15/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये सबका हमको, इसका 1 मतलब नीचे भी 1 है, तो सबका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना होगा, आज प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो एलसीएम इसका 8 होगा, तो 8 को 8 से डिवाइड करके ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से 8 डिवाइड करने से 1 हो जाएगा, देन 125 रहेगा, मतलब 125 1 × 1 × 1 × −125, ज्यादा स्टेप हो जाता है, फिर भी करना, करने से आप लोगों को समझ में आएगा। तो 8 4 से डिवाइड करने से कितना होता है, 8 4 से डिवाइड करने से 2, तो 75 × 2, ठीक है, प्लस 8 2 से डिवाइड करने से कितना होता है, 4 × −15, प्लस यहाँ डिवाइड करने से कितना होता है, 8 को 1 से डिवाइड करने से 8 × 1 इतना हुआ। तो हियर विल डू, तो इसका यहाँ हम करते हैं, ठीक है, तो कितना यहाँ -125 × 150 + 75 × 150 + 4 × 15 = 60 - 60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा, देन प्लस 8 कितना है, 8 है, ठीक है। तो हमको जितना प्लस है उसको प्लस कर देंगे और जितना माइनस है उसको माइनस कर देंगे, तो प्लस कितना हुआ, 150 + 8, तो 158 प्लस में आया, तो माइनस कितना है, −125 और −60, तो कितना है, 5 × 8 = 185, तो देखते हैं −185, देन प्लस कितना हुआ, 150, ये दोनों प्लस को ऐड किए हैं और दोनों माइनस को भी ऐड किए, तो 158 कितना हो गया, 158, तो
और नीचे 8, तो 158 से 185 माइनस करने से कितना होता है, हियर इज 3 एंड 5 से 15 से 15 से 158 माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 5 है तो हैव टू कैरी 1, तो 15 से एट जाने से 7, हियर इज 7, 7 से 5 जाने से 2, तो आंसर विल बी 75, सॉरी आंसर विल बी 25 एंड द साइन विल बी माइनस, क्योंकि इसकी बिगर का बिगर डिजिट का साइन है माइनस, तो माइनस 2 देन 8, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द रिमाइंडर ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहां कंटिन्यू इधर हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर इज हियर, ठीक है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है उसको डिवाइड करके हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो जो आंसर निकलता है वो दैट इज द रिमाइंडर, एंड हमको कैसे निकालना है, तो जो दिया गया है जिससे डिवाइड करना है उसको हम जीरो एज्यूम करके तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, देन आफ्टर एक्स का वैल्यू हमको पुट करना है वही पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आप लोग क्लियर होंगे ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, तो ये था आज का, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।